चलिए नमस्कार, आप सभी का यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्लीप डिसऑर्डर, साइकेट्रिक बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर टॉपिक स्लीप डिसऑर्डर। क्या होता है स्लीप डिसऑर्डर? कि नींद से रिलेटेड कुछ समस्याएं होती है जो कि साइकेट्रिक के अंदर पड़ते हैं। फर्स्ट है डिससोमनिया और सेकेंड है पैरासोमनिया। डिससोमनिया मतलब इनक्रीज स्लीप ड्यूरेशन। एक तो इसका टाइप ये होता है जिसे हम कहते हैं हाइपरसोमनिया, यानी कि अपनी डिससोमनिया मतलब डिफ़िकल्टी इन द स्लीपिंग। अब डिफ़िकल्टी कैसे हो सकती है? या तो बहुत ज़्यादा नींद आएगी या बहुत कम आएगी। तो बहुत ज़्यादा नींद आती है उसे कहते हैं हाइपरसोमनिया। क्या कहते हैं? हाइपरसोमनिया। और जब बहुत कम नींद आती है उसे कहते हैं इनसोमनिया। इनसोमनिया, ठीक है। हाइपरसोमनिया के अंदर भी एक होता है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी मतलब नींद तो बहुत तेज आती है पर कब? रात को नहीं बल्कि दिन में। एक्सेसिव स्लीप इन द डे टाइम। दिन में नींद उसे क्या आएगी? बहुत ज़्यादा आएगी, उसे हम कहते हैं नार्कोलेप्सी। पैरासोमनिया मतलब, पैरा मतलब गलत और सोमनिया मतलब नींद। नींद में कुछ गलतियाँ करता है। क्या करता है? देखो, फर्स्ट है सोमना एल्बुलिज्म, दूसरा है सोमना लिक्वेसी, तीसरा है ब्रिज्म। तो फर्स्ट देखते हैं सोमना एल्बुलिज्म। सोमना एम्बुलिज्म का मतलब होता है कि व्यक्ति नींद में चलता है, वॉकिंग इन द स्लीप। सोमना एम्बुलिज्म मतलब वॉकिंग इन द स्लीप, नींद में चलना। सोमना लिक्वेसी मतलब, लिक्वेसी मतलब टॉकिंग इन द स्लीप, नींद में बोलना। नींद में बोलने को कहते हैं सोमना लिक्वेसी, लिक्वेसी टॉकिंग इन द स्लीप। और सोमना एम्बुलिज्म मतलब वॉकिंग इन द स्लीप, नींद में चलना। ब्रुइज्म, ब्रुइज्म मतलब टीथ ग्रिडलिंग इन द स्लीप, यानी नींद में सोते समय दांत घिसना। ब्रुइज्म और एन्यूरिसिस, एन्यूरिसिस मतलब यूरिन पास आउट इन द नाइट, रात को यूरिन पास आउट कर देना, ठीक है। यह कोई पैरासोमनिया के तीन डिसऑर्डर और डिसोमनिया के वो थे दो डिसऑर्डर। अब इनके मैनेजमेंट क्या है, कि इसका मैनेजमेंट क्या है? रात को अगर कोई यूरिन पास आउट कर दे तो उसका मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट है कि बेड अलार्म ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। रात को 5-6 बार अलार्म भर दो, तो जब भी वो उठेगा अगर उसका ब्लैडर फुल होगा तो वो जाके टॉयलेट करके आएगा, नहीं तो वो अंदर कर देगा। तो बेड अलार्म इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। सेकंड वन इज ड्रग ऑफ चॉइस है कुछ, जैसे डेसमोप्रिसन, जो क्या करती है? यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करती है, डेसमोप्रिसन। और सेकंड है एमीप्रामाइन, ठीक है। तो दूसरा है बेड ड्रीम। बेड ड्रीम भी एक कह सकते हैं नाइट डिसऑर्डर है। बेड ड्रीम मतलब बुरे सपने। तो एक तो होता है जो सपने हमें सुबह याद आ जाते हैं उन्हें कहते हैं नाइट मियर, और एक ऐसे सपने जो रात को आए थे पर सुबह याद नहीं आते उन्हें कहते हैं नाइट टेरर्स। नाइट टेरर, यह आपका हो गया स्लीप डिसऑर्डर। इसमें हमें बताइए कि कितने लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर हम अगला सेक्सुअल डिसऑर्डर इन साइकेट्रिक वो हम पढ़ेंगे, सेक्सुअल डिसऑर्डर, ठीक है। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो डिससोमनिया, पैरासोमनिया, सोमना एल्बुलिज्म, सोमना लिक्वेसी, ब्रुइज्म, हाइपरसोमनिया, इनसोमनिया, नार्कोलेप्सी, एक्सेसिव स्लीप इन द डे टाइम, बेड ड्रीम जो कि रिकॉल होते हैं और जो रिकॉल नहीं होते, ठीक है। इसी के साथ साथ स्लीप डिसऑर्डर कंप्लीट होता है। इसे आप जुड़े रहिए हमारे साथ में, अपने जो जूनियर्स हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी वीडियो का लिंक शेयर करें, ठीक है। और अलग अलग कोचिंग ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं तो उनमें भी वीडियो का लिंक शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़े हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।